हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एक नया तरीका का मिठाई बनाने जा रहे हैं। 2 कप चीनी लिए हैं, थोड़ा सा पानी लिए हैं। ये पहले पाक बना ले, उसके बाद हम बना लेंगे मिठाई। देखिए हम ब्रेड लिए हैं, ब्रेड का ये साइड वाला निकाल देंगे। ये निकाल कर अब उसके बाद देखिए हम पीस कैसे बनाएंगे। देखिए हम साइड का निकाल दिए हैं, अब ब्रेड ये काट लिए हैं, साइड साइड को हटा दिए हैं। अब देखिए हम कैसे काटेंगे। देखिए हम 4 भाग में ये काट लिए हैं, ऐसे ही और हम ब्रेड को काटेंगे। देखिए इतना सारा हम काटे हैं। अब चलिए हम कढ़ाई बैठाएं। देखिए हम कढ़ाई बैठा दिए हैं। अब चलिए हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड गर्म हो जाएगा तब हम ये डालेंगे। देखिए हम रिफाइंड डाल दिए हैं, अब रिफाइंड गर्म हो रहा है। देखिए तब तक ये रस पाक बन गया है, चीनी वाला जो हम रस बनाए थे इसमें डालने के। चलिए हम देखिए हम डाल रहे हैं कटा हुआ ब्रेड को, कैसे ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2-3 एक बार में डालेंगे। देखिए हम फ्राई करके निकालेंगे। अब देखिए लो, हम फ्राई करके निकाल लिए ये ब्रेड को। अब चलिए हम रस में डालेंगे। चलिए देखिए हम रस तैयार हो गया। अब इसमें हम रस में डालेंगे, ये सबको डाल देंगे। देखिए हम डाल दिए हैं। अब चम्मच से इसको दाबेंगे कि थोड़ा रस पी ले, ऐसे ऐसे हम चलाएंगे इसमें, ऐसे ऐसे रस पी ले। ये दोस्तों आप लोग को मीठा चीज़ खाने का मन करेगा तो ये ब्रेड को बनाकर खाइए, बहुत मस्त मिठाई जैसा बना है, बहुत टेस्टी भी है। आप लोग का मुंह में पानी आ जाएगा, लार छूने लगा, वाह नाइस, इतना मस्त बना है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ब्रेड को बनाइए और घरेलू नुस्खा खाइए। देखिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है, खाएंगे तो बहुत मज़ेदार आएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।